बाकी स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर देखिए आपका चैप्टर नंबर 6 का यूनिट 1 है सीए वाली बुक्स में। बाकी जनरल एंट्री थोड़ी बहुत बता दी थी मैंने, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो लास्ट क्लास में रीड आउट किया था वही टॉपिक्स है यहाँ पे भी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इट मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी डेटेड, मस्ट कंटेन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रॉमिस टू मे, मस्ट बी अनकंडीशनल, मनी मस्ट बी पेबल टू अ डिफाइंड डेफिनेट पर्सन ऑर टू हिज ऑर्डर टू द बियर, ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द पेमेंट बाय द पार्टी टू होम ऑर्डर इज मेड। तो सारी चीजें क्या होती हैं, ऑलरेडी पहले से ही साइन हो बाई मेकर होता है, ठीक है, प्रॉपरली स्टैम्प होनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस, हम अनकंडीशनल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में भी रीड आउट कर ली थी। तो ये लिखा है ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड होना चाहिए, शुड बी स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है, एंड पेमेंट मस्ट बी लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। तो ये सारी चीजें है। फिर ड्रॉअर कौन होता था, ड्रॉअर मीन्स द पार्टी हु मेक द ऑर्डर टू नोन एज ड्रॉअर, सिंपल सा मीनिंग है, जिसने ऑर्डर बनाया या बिल ड्रॉ किया वो कौन है, ड्रॉअर है। थर्ड इज फिर एक्सेप्टर, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी पढ़ा होगा, अभी जिन बच्चों का भी अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टार्ट हुआ है लॉ के अंदर, कल जो भी स्टार्ट हुआ था टॉपिक, तो उसमें भी आपने यही टॉपिक सेम पढ़ा होगा, ठीक है ना। ड्रॉअर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, पेई क्या होता है, पेई में भी चेंज हो सकता है, जिस पार्टी को अमाउंट रिसीव होगा वो कौन है, पेई है, एंड द पेई कैन बी द सेम, सेम भी हो सकता है, एक्सेप्टर और पेई सेम भी हो सकता है। देखिए आगे, फिर एक स्पेसिमेन कॉपी दे रखी है बिल ऑफ एक्सचेंज किस टाइप का होता है, अमाउंट फिक्स है 11,50,000, डेट एंड स्टैम्प्स वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर रिवेन्यू स्टैम्प लग जाएगी, 90 डेज आफ्टर डेट ऑफ द फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड बिल्स एंड थर्ड बिल्स टेन्योर एंड डेट बीइंग अनपेड, ये सारी चीजें कंडीशनल इसमें लिख के दे देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक चीज और देखिए यहाँ पर, कुछ फॉरेन बिल्स क्या होते हैं, फॉरेन बिल के एग्जांपल दे रखे हैं, सीएमए वाली बुक्स में ये नहीं दिया हुआ था, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी ध्यान से सुन लें। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, किसी ऐसे पर्सन पे बिल ड्रॉ किया जो रेजिडेंट कहाँ का, आउटसाइड इंडिया का, मे बी पेबल आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन बिल हो जाएगा आपका। एक ठीक है, फॉरेन बिल हो जाएगा। उसके बाद द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, द बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, दीज आर द फॉरेन बिल्स। फिर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होता है ये भी पता करना पड़ेगा। देखो प्रॉमिसरी नोट में क्या लिखा है, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट नहीं होना चाहिए और करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटेनिंग क्या होगा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑर्डर टू और अ सर्टेन पर्सन, यानी कि प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं होगा, सर्टेन पर्सन होगा। अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर, बियरर को नहीं दे सकते आप, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, येरा देखो, इट मस्ट बी पीपल, डेफिनेट पर्सन भी हो सकता है, बियरर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा, ओनली डेफिनेट पर्सन होगा, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा, ओनली डेफिनेट पर्सन होगा, सर्टेन सम ऑफ मनी टू ऑर्डर सर्टेन पर्सन, यानी डेफिनेट होगा। कैरेक्टर्स देखते हैं प्रॉमिसरी नोट के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट कॉन्टेन क्लियर प्रॉमिस टू पे, ठीक है, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज डेट, डेट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए, लाइक आई प्रॉमिस टू पे 50,000 एज सून एज आई कैन इज नॉट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल, ठीक है। द प्रोमिशर और मेकर, जो प्रोमिशर और मेकर है साइन करेंगे प्रॉमिसरी नोट पे, मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, पर्सन फिक्स कर देना है क्योंकि बियरर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं हो सकता। The pay must also be certain, pay भी fix है इसमें। The sum payable must be certain, amount भी fix होना चाहिए, मतलब कहने का ये है। Payment must be in legal currency of the country, ये bill of exchange में भी था, यहाँ पर भी as it is है। It should not be made payable to the bearer, bearer वाली बात देख।
ठीक है, प्रॉमिस्ड नोट भी सेम उसी की तरह ही है, अमाउंट लिख दिया, डेट्स वगैरह लिख दी, प्लेस लिख दिया, स्टैंप्स लगा दिया, साइन कर दिया, पे ही कौन है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिस्ड नोट में डिफरेंस क्या होता है, अ बिल कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, जबकि प्रॉमिसरी नोट कंटेन ओनली प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। देयर आर जनरली थ्री पार्टी हो सकती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू पार्टीज, ओनली कितनी पार्टी होंगी, टू पार्टीज होंगी इसके अंदर। प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या होंगी, सिर्फ टू पार्टी होंगी। आगे देखते हैं फिर, बिल इज पेड बाई एक्सेप्टर, यहां पर कौन पे करेगा, मेकर। बिल इज ड्रॉन बाई क्रेडिटर, बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल प्रॉमिसरी नोट मेड बाई डेटर्स बनाएगा यहाँ पर। द ड्रॉअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में मेकर एंड पेई कैन नॉट बी सेम, कभी सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस है जो प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में है, ये लॉ में भी है और यहाँ पर भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत सारी थ्योरी है इसकी, ठीक है। तो सेम टॉपिक है वहां पर भी और यहाँ पर भी, तो छोटा मोटा डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि एक दो नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए अगर ऑप्शन वाला, तो वो क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं आती, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरी आने के चांसेस कम होते हैं यहाँ से। बाकी देखते हैं आगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने आपको बता दिया इसमें, बाकी रिकॉर्ड दे दिया, जर्नल एंट्री कैसे करनी है, जर्नल एंट्री की बात करते हैं और जर्नल एंट्री अपना स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। एक पॉइंट और बताना था, ये देखो, टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल में क्या पढ़ना है, द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एनी ड्यूरेशन हो सकता है, बट जनरली 90 डेज का होता है। जनरली कितने दिन का होता है, 90 डेज का, मतलब 3 मंथ्स का। देखो आफ्टर साइट और आफ्टर डेट क्या होता है, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, अगर बिल पे लिखा है कि इट विल बी ड्रॉन आफ्टर साइट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिन, बिगिन स्टार्ट कहां से करोगे, फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, दैट इज व्हेन इज एक्सेप्टेड, यानी एक्सेप्टेंस वाले दिन से 90 दिन गिने जाएंगे, जितने दिन का भी बिल है। काउंट कहां से करना है, एक्सेप्टेंस वाले डेट से, साइन वाले डेट से नहीं करना, ड्रॉइंग वाले से नहीं करना। लेकिन जब ये लिखा हो आफ्टर डेट, द बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, द टर्म ऑफ द बिल बिगेन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, ठीक है। तो दो चीजें, आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट, फिर एक्सपायरी ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है, ड्यू डेट मतलब सिंपल, जिस दिन बिल टर्मिनेट होगा, डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज होंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी जिस दिन बिल क्लियर होगा, जिस दिन ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये देखो एक चीज, बिल एट साइट क्या होता है, थोड़े से कुछ न्यू वर्ड है, बिल एट साइट मींस इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, ऐसा बिल बनाया जिसपे मैंने टाइम मेंशन ही नहीं किया। अच्छा कि ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, व्हेन इट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, तो इसको क्या बोलते हैं, और साइट ऑन प्रेजेंटमेंट। तो इसमें क्या होगा, बिल एट साइट का मतलब यह है, आपने टाइम नहीं बताया कब देंगे, बिल बना के दे दिया, साइन करके दे दिया, पेबल ऑन डिमांड होगा ये, एट साइट प्रेजेंटमेंट मींस ऑन डिमांड होगा। An instrument payable on demand may be present for payment at any time, किसी भी time उसकी payment कर सकते हैं, receive कर सकते हैं, any time, on demand basis पे, तो इसको कहते हैं bill at site, ऐसा कोई numericals हमारे उसमें नहीं आएंगे questions में, ठीक है। Bill after date वाला अगर आए, bill after date means the instrument on which payment is mentioned, जिसपे payment mention होगी, time mention होगा, तो उसको bill after date बोलेंगे, ठीक है। फिर लिखा है हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ बिल, ये हम न्यूमेरिकल्स में भी अच्छा फिर भी देख लेते हैं। देखें, व्हेन द बिल इज मेड पेबल अ स्पेसिफिक डेट, तो स्पेसिफिक डेट क्या हो जाएगी हमारी, ड्यू डेट। मैंने बोला किसी को भाई हम पेमेंट करेंगे, आज 25 अगस्त है,
अब मैंने एक बिल बना के दिया किसी पर्सन को और उसको बोला हमने पेमेंट करेंगे 25 नवंबर, दिस इज विल बी ड्यू डेट, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। सेकंड, व्हेन द बिल मेड पेबल एट स्टार्टेड नंबर ऑफ मंथ, अगर नंबर ऑफ मंथ बोला है जैसे आफ्टर 3 मंथ, तो 25 अगस्त में 3 महीने जोड़ लो, 25 अगस्त से 25 सितंबर, अक्टूबर, 25 नवंबर प्लस 3 दिन, 28 नवंबर, ठीक है, इस तरह से। When the bill made payable at started number at, अच्छा यही इसने यहाँ पर बता दिया अलग से इसी बात को, ग्रेस डे ऐड करके। When the due date is public day, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो पब्लिक हॉलीडे है तो क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग बिजनेस डे मान लेंगे, एक दिन पहले वाले दिन को क्या मान लेंगे, मान लो अगर आपकी ड्यू डेट पड़ रही है 15 अगस्त को तो 14 अगस्त मान लेंगे, और 14 अगस्त को अगर संडे पड़ रहा है तो 13 मान लेंगे, एक दिन पहले मान लेंगे। When the due date is an emergency holiday, अगर आ गया, due date थी हमारी 27 September, emergency holiday आ गया इस दिन, तो next day मान लेंगे, next following day will be on the date, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, simple सी बातें। अगर surprise holiday आता है तो next day, predefined holiday आ जाता है तो previous day पे आपको काम करना है। नोटिंग चार्जेस की एंट्री मैंने बताया था, जिसको एक्चुअल में पेमेंट करनी है नोटिंग चार्जेस की एंट्री सिर्फ वही पर्सन करेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। नोटिंग चार्जेस वही पर्सन लिखेगा जिसको एक्चुअल में पेमेंट करनी है, जिसके लिए बिल्स पे वाला है, उसके अलावा कोई भी नोटिंग चार्ज नहीं लिखेगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस करते हैं कुछ, बाकी रिन्यूअल्स ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, ये चीजें देख लेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन वन देखो, कहता है मिस्टर सुजाता टू बिल्स फ्रॉम मैसेस अरुणा, डेटेड क्या है 1 जनवरी 2020 फॉर 2 मंथ्स, द फर्स्ट बिल इज ₹4,10,200 एंड द सेकंड बिल कितने का है ₹15,000 का, द सेकंड बिल वाज एंडोर्स कर दिया हमने मिस्टर श्री को ऑन 3 जनवरी को एंड द फर्स्ट बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से ₹10,000 में, पास द नेसेसरी एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करके देनी है इनकी, किसकी बुक्स में, सुजाता की बुक्स में। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या करना है, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना इस क्वेश्चन में, तो मैं बना देता हूँ, बाकी आप बुक में करोगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में ही अपनी नोटबुक में काम करें। डेबिट एंड क्रेडिट, और एक कॉलम इधर बन जाता था हमारा डेट का, ठीक है। किसकी बुक्स में बनाना है, मैसेज सुजाता के, तो यहां पे लिख दो इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ मैसेज सुजाता, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल देंगे हम जर्नल, ऊपर हेडिंग क्या डाल देंगे हम जर्नल। अब देखो क्या बोला है, मैसेज सुजाता को रिसीव हुए टू बिल्स, तो मुझे डायरेक्ट एंट्री कहां से करनी है, बिल रिसीव करने से, बिल कहां से रिसीव हुए, अरुणा से, एक है तो बिल 10,200 का, एक है 15,000 का, तो 1 जनवरी 2020 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा। अच्छा अलग अलग भी कर सकते थे, दो बिल भी है ना, ऐसे कर लो इसको, बी आर दो बार लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो एक साथ लिख देगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक होता है, दो बिल मिल रहा है तो एक साथ कंबाइंड भी लिख सकते हो। भाई पहला बिल आया आपके पास ₹10,200 का, एक बिल और आया 15,000 का,
25,200 रुपये एक साथ भी कंबाइंड भी कर सकते हैं आप इसको, बी आर डेबिट टू अरुण 25,200 रुपये डायरेक्ट। अब इस बिल का हमें करना क्या है, पहला बिल तो इंडोर्स कर देना है किसी को, फर्स्ट बिल लिखा है, द सेकंड बिल सॉरी सेकंड बिल इंडोर्स टू मिस्टर श्री को दे देना है। मिस्टर श्री को देंगे तो क्या करेंगे एंट्री ऑन 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2020 को मैंने क्या किया, फर्स्ट बिल उठाया और हमने मिस्टर श्री को दे दिया, तो एंट्री कर दो श्री डेबिट टू बीआर। किसी को इंडोर्स करोगे तो क्या एंट्री करोगे, श्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितने वाला, सेकंड वाला 15,000 वाला बिल हमने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया सेकंड वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है अपने पास 10,000 वाला जो बिल है वो हमने डिस्काउंट करा लेना है, 10,200 वाला बिल क्या कराना है, डिस्काउंट कराना है बैंक से 10,000 रुपए में। अगर बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सेम डेट को ही 3 जनवरी 2020 को हमने क्या किया, सेकंड बिल था वो डिस्काउंट करा लिया, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो बैंक में हमारी मनी आएगा वो आएगा 10,000 रुपए, बैंक में मनी कितना आएगा 10,000 रुपए का, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे हमारे वो लगेंगे 200 रुपए, क्योंकि लिखा हुआ है 10,000 में डिस्काउंट हो गया, टू बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करा लेना है बस 10,200 का। इसके बाद बिल डिसऑनर्ड हुआ या क्लियर हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो जाएगा, उससे आगे क्या करना है कुछ नहीं करना, जहां तक की इंफॉर्मेशन है वहां तक की एंट्री करनी है आपको, छोड़ देना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बाकी हम लास्ट में एग्जाम के भी क्वेश्चन करेंगे एक दो क्लास के बाद, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो याद रखना ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन है, बस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको नीचे से क्लोज करके प्रॉपर टोटल वगैरह करने की तो क्या जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको बस टोटल कर दें इस तरह, बस क्लोज कर दें, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये प्रेजेंटेशन देनी है एग्जाम के अंदर डेट का पर्टिकुलर में, फिर अपना डेबिट क्रेडिट का कॉलम, साथ में एक कॉलम और बनता था वो मैंने बनाया नहीं यहाँ पर, LF का एक कॉलम और बनता था, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, विजय ने सोल्ड करे गुड्स प्रीतम को 1,06,000 के, प्रीतम ने एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ का बिल, ऑन द ड्यू डेट प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया रिन्यू कर दो एक नया बिल 2 मंथ्स का, और विजय एग्री टू प्रोवाइड, इंटरेस्ट लेगा 9% और इंटरेस्ट कैश में चाहिए, ये बात भी लिखी हुई है। फटाफट देखें इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, लिखा है विजय ने सोल्ड किया गुड्स किसको, प्रीतम को, बुक्स किसकी मांगी है, गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम, बोथ की बुक्स है। तो एक काम करते हैं यहां पर बना देते हैं भाई दोनों पार्टी की बुक्स, लो जी एक साइड में जनरल एंट्री कर देता हूं विजय ने सोल्ड करी है विजय के लिए, इधर कर देते हैं प्रीतम के लिए। बताइए जी विजय ने अगर प्रीतम को माल बेचा तो जनरल एंट्री मुझे पहली जनरल एंट्री क्या करनी चाहिए, अगर विजय ने सेल करी है प्रीतम को तो सिंपल जनरल एंट्री होगी, कब करी है 1 सितंबर को, तो पहली एंट्री 1 सितंबर को हो जाएगी, 1 सितंबर को जनरल एंट्री क्या करोगे आप, प्रीतम डेबिट टू सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए की सेल्स करी है 1,06,000 रुपए की सेल हो गई, जबकि प्रीतम के लिए क्या एंट्री होगी अब, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, बिल्कुल सिंपल। अब इन दोनों पार्टी ने आपस में कोई ट्रांजेक्शन करी है उसकी जनरल एंट्री हम कर देंगे 1,06,000 रुपए की। अब बी आर मिलेगा इसको, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक बिल मिला और किससे मिला, प्रीतम से एक बिल मिल गया, बताओ जी एंट्री, 1,06,000 रुपए का एक बिल आ गया, कोई डाउट हो तो बता देना बीच में। और यहां पर इसने बिल दे दिया तो क्या एंट्री करेगा ये, विजय डेबिट टू बिल्स पेबल, ये क्या लिखेगा, बिल्स पेबल लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट
1,06,000 रुपए। ये एंट्री हो गई। अब 1 सितंबर पे 3 महीने का बिल था तो ड्यू डेट क्या होगी, जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। 1 सितंबर के बाद अगर आप ड्यू डेट निकालोगे तो क्या बनेगी ड्यू डेट? 1 सितंबर से 3 मंथ की ड्यू डेट निकालो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 3 महीने बाद को कितनी तारीख होगी ड्यू डेट। थ्री डेज और ऐड करने हैं, ठीक है? ग्रेस, या ओके, करेक्ट। 4 दिसंबर इज करेक्ट। तो 1 सितंबर से 3 मंथ, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर प्लस 3 डेज, 4 दिसंबर विल बी ड्यू डेट। 3 डेज अपनी तरफ से हर बार ऐड कर लेना। तो 4 दिसंबर को क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिन्यू कर दो बिल। रिन्यू करने के लिए मुझे पुराना वाला कैंसिल करना पड़ेगा। एक बात याद रखना बच्चे, पुराने वाले बिल को अगर कैंसिल करना है या डिसऑनर्ड हो जाए तो एंट्री सेम है। डिसऑनर्ड करने की एंट्री भी सेम है और कैंसिल करने की, खुद से कैंसिल करेंगे उसकी एंट्री भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ डिसऑनर्ड करने की एंट्री अब हम क्या, डिसऑनर्ड कह रहा हूँ सॉरी, कैंसिल करने की एंट्री रिवर्स कर दो, इस वाली एंट्री को रिवर्स कर दो। देखो रिवर्स करो कैसे करोगे, प्रीतम डेबिट टू बीआर। अगर डिसऑनर्ड होता बिल तब भी हम यही एंट्री करते, इसका मतलब बीआर तो कैंसिल हो गया, प्रीतम से अब 1,06,000 रुपए लेने, बीआर का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर भी कैंसिल करो, कैंसिल करते टाइम हमेशा याद रखें बिल्स पेबल डेबिट टू विजय, एंट्री शुड बी रिवर्स। बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री क्या करनी है, रिवर्स कर देनी है, 1,06,000 रुपए खत्म। अब एक बात बताओ, विजय को इंटरेस्ट मिलेगा तो इसके लिए इनकम होगी, राइट? प्रीतम इंटरेस्ट देगा तो इसके लिए एक्सपेंस होगा तो एंट्री करेगा प्रीतम इंटरेस्ट डेबिट। किसको देना है इंटरेस्ट बताओ, विजय को। यानी एक लाइबिलिटी और क्रिएट कर ली, यहां पर भी ड्यू करो इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट मिलना है, किससे इंटरेस्ट मिलना है, प्रीतम से। तो एंट्री करेगा प्रीतम डेबिट टू इंटरेस्ट। इस एंट्री में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, और इंटरेस्ट कितना आएगा ये भी बताओ, 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो इसके ऊपर। 1,06,000 रुपए का अपने कैलकुलेटर के ऊपर 9% करें। 1,06,000, ओके 9% किया, 9,540। न्यू बिल कितने महीने का बना रहे हैं हम, न्यू बिल जो बन रहा है वो बन रहा है 2 मंथ का, देन 2/12 भी करो, 2/12 1,590। अगर इंटरेस्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं, 1,590 रुपए का इंटरेस्ट आ गया फॉर टू मंथ ओनली, 2 महीने का ही तो इंटरेस्ट देगा बस। इसलिए जिसके लिए इनकम थी उसका इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया और इसका डेबिट, और इंटरेस्ट कैश में पे करना है तो इसको कैश मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। अच्छा ये वाली एंट्री जो मैंने ऊपर करी है ये ड्यू करने की, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कैश डेबिट टू इंटरेस्ट 1,500 रुपए, ठीक है? लेकिन ये बेटर प्रेजेंटेशन है कि हम पहले ड्यू करें फिर उसको रिसीव करें, ये बेटर प्रेजेंटेशन है। यहां पर भी पहले ड्यू करें फिर पेमेंट कर दो, पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, विजय डेबिट टू कैश, 1,590 रुपए कैश में दे दो। अच्छा नया बिल भी बना के देना है, नया बिल कितने का बनेगा फिर, 1,06,000 रुपए का नया बिल बनाओ। अगर नया बिल बनाएगा यहाँ पर तो क्या एंट्री करेगा, ये विजय डेबिट टू बिल्स पेबल, नया बिल फिर से कितने का बन जाएगा, 1,06,000 रुपए का। अच्छा ये लास्ट की दो एंट्री हम कंबाइंड भी कर सकते थे, विजय डेबिट टू कैश टू बिल्स पेबल, ठीक है? वो मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दी, आप क्या करेंगे हमेशा कंबाइंड एंट्री करेंगे, बीआर डेबिट टू प्रीतम, प्रीतम से एक नया बिल मिल गया कितने रुपए का, 1,06,000 रुपए का। क्वेश्चन में अब कुछ नहीं करना।
नया बिल कितने का आ गया? 1,06,000 का, यही बोला था इन्होंने। अब इन फ्यूचर में ये बिल क्लियर हुआ है या डिसऑनर्ड हो गया नया वाला, देखो लिखा था विजय एग्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट 9% वाज पेड इमीडिएट कैश, द प्रीतम वाज एग्री, ठीक है, द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, क्लियर हो गया। तो सेकंड बिल क्या, सेकंड वाला जो बिल है उसकी ड्यू डेट क्या होगी, जल्दी बताओ, 2 महीने का बिल था तो 4 दिसंबर से, बताओ ना 4 दिसंबर के बाद 2 महीने के बाद ड्यू डेट क्या होगी 4 दिसंबर के बाद। ओके, 4 दिसंबर से 4 जनवरी, फिर 4 फरवरी प्लस 3 डेज इक्वल टू 7 फेब। 7 फेब को ये बिल क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम, अगर क्लियर हो गया तो एंट्री कर देते हैं। 7 फेब को आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, 1,06,000 का बिल इसको मिल गया, 106,000। यहां पर क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल डेबिट टू कैश 1,06,000। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों पार्टी की बुक्स मांग रहा है तो 7-8 नंबर पे क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन की वेटेज 7 to 8 marks है, 10 marks भी है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन के अंदर, अब ठीक है, दोनों पार्टी की हमने एंट्री करी, किसी एंट्री में कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, इन्होंने दोनों की बुक्स बना रखी है अलग अलग। इलस्ट्रेशन थर्ड भी देखते हैं, लिखा है ऑन 1 जनवरी को अंकिता ने गुड्स बेचे 5 लाख रुपए के भाविका को और एक बिल बना दिया कितने महीने का, 3 month फॉर द अमाउंट, ठीक है, भाविका ने एक्सेप्ट भी कर लिया और रिटर्न कर दिया अंकिता को, नो प्रॉब्लम। 1 मार्च 2020 को भाविका कहती है रिटायर करना चाहती है बिल को, रिटायर का मतलब क्या होता है बताओ, बिल क्लियर हो गया या डिसऑनर्ड हो गया, किसको पता है? नो, रिटायर मींस बिल क्लियर हो गया, टाइम से पहले उसने पैसे दे दिए, इसका मतलब यह है, ठीक है, ओके, हाँ जी, तो ये वर्ड याद रखना, आप कभी भी रिटायर लिखा होगा तो भाविका ने रिटायर कर दिया, मतलब कब रिटायर किया, 1 मार्च को। और देखो हमने माल कब सेल किया था, ये वाली डेट देखो, 1 जैन, तो ड्यू डेट क्या होगी 3 मंथ बाद, आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, 1 जैन से फेब मार्च अप्रैल प्लस 3 डेज 4 अप्रैल, राइट, 4 अप्रैल से पहले ही पैसे दे दिए, कब दे दिए पैसे उसने, 1 मार्च को, बताओ कितने टाइम पहले पैसे दे दिए, पेमेंट पेमेंट करनी थी अप्रैल में, बट पेमेंट कब कर दी उन्होंने, मार्च में, बिफोर वन मंथ, 1 महीने पहले पैसे दे दिए, कोई बात नहीं, तो रिबेट मिलेगी, रिबेट का मतलब पता है, रिबेट क्या होता है, रिबेट सेम एज डिस्काउंट, रिबेट का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन अंकिता की बुक में भी और भाविका की बुक्स में भी। किसी को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है, देखिए आप 1 जनवरी फर्स्ट एंट्री, अच्छा बुक्स पहले लिख लेते हैं, जो पहले हम बुक्स बना लेते हैं, किसने सेल किया है अंकिता ने, तो अंकिता की बुक्स बना लेते हैं इधर, सेकंड बुक बना लेते हैं भाविका की, दोनों पार्टी की बुक्स बनानी पड़ेगी, अंकिता की भी बुक्स बनानी है और भाविका की भी बुक्स बनानी है। अब अंकिता और भाविका की बुक्स बनाने के लिए सबसे पहले लिखा अंकिता ने सेल करी है भाविका को, तो एंट्री करो,
भाभी का डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की सेल हुई है भाई? 5 लाख रुपए की सेल हो गई सेल्स अकाउंट, ठीक है 5 लाख रुपए। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, इसको एक बीआर मिल गया, बीआर डेबिट टू भाविका, भाविका से एक बिल मिल गया कितने का? 5 लाख रुपए। अब इस बिल को इन्होंने टाइम से पहले अंकिता को पैसे मिल जाएंगे। ये बिल के पैसे कब मिलने थे? अप्रैल में, बट कब मिल जाएंगे? मार्च में मिल जाएंगे। यहां पर देखो फिर इन्होंने परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता, परचेज कितने की करी है? 5 लाख रुपए की, राइट। तो अंकिता डेबिट टू बिल्स पेबल, अंकिता डेबिट टू बीपी, बिल्स पेबल कितने का है हमारा? 5 लाख रुपए का। अगर 5 लाख रुपए का बिल्स पेबल है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें यहां से क्या करना है मुझे। देखो इसकी ड्यू डेट 4 अप्रैल है, बट पेमेंट कब कर दी इन्होंने? 1 मार्च को, टाइम से पहले पेमेंट कर दी। तो क्या मिलेगा इसको? डिस्काउंट मिलेगा, इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब ये भाविका पेमेंट कर रही है अंकिता को, तो एंट्री क्या करेगी? ये बिल्स पेबल डेबिट, कितने रुपए का बिल पेबल है भाई? 5 लाख रुपए का, पर हमें कुछ कैश कम देना पड़ेगा। यहां पर क्या मिल जाएगा? रिबेट लिखना आप, क्या लिखना? रिबेट, कैश कम जाएगा, कितना कम जाएगा? डिस्काउंट कितना देना है? 12%। 1 महीने का डिस्काउंट दोगे, क्योंकि भाविका ने जब पेमेंट करी अंकिता को तो 1 महीने पहले करी है बस। जनवरी की पेमेंट कब करी उसने? मार्च में, पर पेमेंट कब करनी थी? अप्रैल में। 1 महीने पहले करी है, तो 1 महीने का डिस्काउंट बताओ कितना हो जाएगा इस पे? 5 लाख रुपए के बिल के ऊपर 1 महीने का डिस्काउंट कितना आएगा? 5,000 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो 5 लाख रुपए का हमने 12% किया, 60,000 आया, उसका 1/12 कर दिया तो 5,000 आ गया। यानी पेमेंट करनी पड़ेगी इसको ओनली 4,95,000 बस। यहाँ पर देखो कैश अकाउंट डेबिट बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4,95,000 का इन्होंने रिबेट दे दिया, तो रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए का, तो बिल रिसीवेबल 5 लाख रुपए का, इस तरह से एंट्री कर देंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 नंबर तक की वेटेज रखता है, ज्यादा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ये दोनों पार्टी की बुक्स इन्होंने बना रखी है। इलस्ट्रेशन 4 अभी करते हैं, 1 मिनट। देखो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 का, उसके बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 बस। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 7 देखो क्या है। मिस्टर डेविड ने ड्रॉ करे 2 बिल, 1 जनवरी 2020 को, 6,000 का और 10,000 रुपए का। द बिल ऑफ एक्सचेंज 6,000 2 मंथ का है, जबकि 10,000 वाला 3 मंथ का है। दीज बिल आर एक्सेप्टेड बाय थॉम्स, उसने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, मिस्टर थॉम्स रिक्वेस्ट करता है डेविड को कि रिन्यू कर दो फर्स्ट बिल और इंटरेस्ट ले लो 18% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 महीने, 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए बिल को रिन्यू कराना चाहता है वो फर्स्ट बिल का। मिस्टर डेविड एग्री हो गया, ठीक है। ऑन 20th मार्च मिस्टर थॉम्स रिटायर्ड द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000। सेकंड बिल उसने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड बिल पे कर दिया। द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंटिंग बीइंग 100 रुपीज, टाइम से पहले पेमेंट कर दी होगी तो 100 रुपए का उसको क्या मिल गया? डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यू बिल, जो नया बिल बनवाया था उसकी ड्यू डेट आने से पहले मिस्टर थॉप्स बिकम इंसॉल्वेंट हो गया, एंड ओनली 50 पैसा इन रुपीज कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट। लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है पता किसी को? 50 पैसा का मतलब 50 पैसा इन अ रुपीज, मतलब 1 रुपए में से वो 50 पैसे की ही पेमेंट करेगा।
अगर 5,000 लेने हैं तो 2,500 ही देगा, 10,000 लेने हैं तो 5,000 ही देगा, मतलब 50% की ही पेमेंट होगी बस, बाकी पैसे आपके बैंडेट हो जाएंगे। देखिए जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में करनी है, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, डेविड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए जी फिर जर्नल एंट्री कर लेते हैं डेविड की बुक्स में। ये आ गया अपना क्वेश्चन, डेविड की बुक से तो डायरेक्ट और दूसरी पार्टी की तो बुक्स बनानी नहीं है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी जैन 1 को, फर्स्ट जैन 2020 को क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल डेबिट, यहाँ पर भी दो बिल है तो वैसे ही कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में करी थी, बी आर डेबिट, पहला बिल है 6,000 रुपए का, दूसरा बिल है 10,000 रुपए का, किससे मिला है ये हमें बिल्स, डेबिट को कहाँ से मिला ये बिल, थॉम्स से, ठीक है तो ये बिल मिल गया हमें 10 और 6 16,000 रुपए का, दोनों बिल हो गए, ठीक है सिंपल। 1 जनवरी को अब क्या किया, ये बिल 3 मंथ्स का था और एक 2 मंथ्स का था, तो ड्यू डेट क्या होगी 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च प्लस 3 दिन 4 मार्च, पहले बिल की ड्यू डेट क्या होगी 4 मार्च, दूसरे बिल की ड्यू डेट क्या होगी, ये फर्स्ट बिल की है, सेकंड बिल की ड्यू डेट क्या होगी, फर्स्ट जैन से फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट अप्रैल, 4 अप्रैल, ओके तो दो बिल अपने पास। अब क्वेश्चन में लिखा है एक बिल को क्या करा लेना है, एक को तो रिन्यू करा लेगा और एक को टाइम से पहले पेमेंट कर देगा, तो देखते हैं जैन फेब तो चला गया, मार्च में यानी कि पहले ये वाला बिल आएगा, मिस्टर थॉम्स रिक्वेस्ट करता है रिन्यू कर देना है फर्स्ट बिल, रिन्यू करना है कौन सा बिल, फर्स्ट बिल रिन्यू करना है, तो मैं फर्स्ट बिल को कैंसिल कर देता हूँ, ये एंट्री हो जाएगी फर्स्ट बिल वाली 4 मार्च को, क्योंकि 2 महीने का था ये, तो कैंसिल करने के लिए थॉम्स डेबिट टू बीआर करना पड़ेगा मुझे 6,000 रुपए से, फिर इंटरेस्ट भी लेना है थॉम से तो इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी पड़ेगी, अब इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करोगे आप थॉम्स डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है थॉम्स को डेबिट कर दो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट लेना है हमें 18%, तो 6,000 का 18% फॉर 2 मंथ कर लेते हैं इसको, 6,000 का 18% फॉर 2 by 12, 180 रुपीज का इंटरेस्ट है। इस बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट कैश में देना है, तो ये नए वाले बिल में ही ऐड कर देंगे, पुराना बिल कैंसिल कर दिया इंटरेस्ट लगा दिया, अब नया बिल ले लो, नया बिल कितने का ले लोगे, एक बिल और आ गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बीआर आ जाएगा नया, किससे आ जाएगा थॉम्स से, 6,180 रुपए का नया बिल आ जाएगा, खत्म। और फर्स्ट वाला बिल उन्होंने कब पे कर दिया था, फर्स्ट वाला बिल 20 मार्च को ही पे कर दिया था, देखो जो अप्रैल में देना है वो कब दे दिया था 20 मार्च को, तो 20 मार्च को एंट्री कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 मार्च को एंट्री करो, 20 मार्च को एंट्री करेगा तो जो बिल 4 अप्रैल को आना था वो कब आ गया, 4 अप्रैल वाला बिल 20 मार्च को, कितने दिन पहले आ गया बताओ, क्योंकि इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस बार डेज में निकलेगा इंटरेस्ट, बैंक ही लिख देते हैं कोई नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट डेबिट, अच्छा रिबेट तो निकाल के दी थी इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 10,000 का बिल था 100 रुपए की रिबेट थी, बीआर कितने का था 10,000 का, रिबेट गिवन है, फिर डेज की कैलकुलेशन करने की प्रॉब्लम खत्म, 10,000 में से 100 घटा दो 9,900 रुपए, बताओ किसी को डाउट है तो यहाँ तक, सेकंड बिल टाइम से पहले मिल गया कोई दिक्कत नहीं हुई, अब इस वाले बिल की ड्यू डेट बताओ क्या होगी, 4 मार्च वाले की जो सेकंड नया बिल बनाया है, इस रिन्यू बिल की ड्यू डेट क्या होगी, चार मार्च से जो दो महीने का बिल बनाया है, 4 अप्रैल 4 मई प्लस 3 दिन 7 मई, ठीक है 7 ऑफ मई, 7 मई होगी इसकी ड्यू डेट,
रिन्यू वाले बिल की, और वो इंस्टॉलमेंट हो गया थॉम्स, आधे ही पैसे देगा वो, तो आधे पैसे मिल जाएंगे, आधे पैसे डूब जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक मिनट, बिल भी कैंसिल करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट बैंक लिख दिया, आधे पैसे तो आ जाएंगे पर पुराना बिल तो कैंसिल खत्म कर दो, ये बिल तो उसने पे नहीं करा, तो बिल को कैंसिल करने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी मुझे थॉम्स डेबिट। जब भी बिल पूरा पैसा ना मिले तो बिल को कैंसिल कर दो, पहले बीआर कैंसिल कर दो, 6180 रुपए पूरा बिल कैंसिल कर दो, अब आधे पैसे ले लो थॉम्स से। आधे पैसे लेने की एंट्री क्या हो जाएगी थॉम्स से, अगर हम पेमेंट लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 3180 का आधा होता है 90 रुपए, तो 3090 रुपए, बाकी बैड डेट हो जाएगा। बैड डेट भी कितना होगा सेम 3090, बाकी थॉम्स में कितना आ जाएगा 6180। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो, बिल को कैंसिल कर दिया, थॉम्स से लेने थे 6180, आधे पैसे मिल गए, आधे बैड डेट हो गए, ठीक है। इसमें अब कोई एंट्री नहीं करनी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ये 7 क्वेश्चन हमने किया है ना, 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम। एक क्वेश्चन कराना था ये वाला, इलस्ट्रेशन 4। देखो इलस्ट्रेशन 4 में क्या लिखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन, क्या है ये, कतराक्स बुक। कतराक एक्सेप्टेंस टू बाशु 2500 डिस्चार्ज बाई कैश पेमेंट रुपीज 1000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। अब इसमें लिखा है कतराक की कोई एक्सेप्टेंस है, यानी इसके लिए बिल्स पेबल है, बासु के लिए बीआर होगा, बासु के लिए क्या होगा बीआर, तो कतराक के लिए क्या है बिल्स पेबल, उसको कैंसिल करवा के क्या कर रहा है, पुराने बिल को कैंसिल कर रहा है 2500 रुपए के, पुराने बिल को कैंसिल कर दो, फिर 1000 रुपए कैश में दे दो, बाकी का नया बिल बना दो। तो देखो इसमें कैसे एंट्री करनी पड़ेगी, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि पहले क्या हुआ, लेकिन ये लिखा है कि कोई एक्सेप्टेंस है कतराक के ऊपर, तो वो क्या एंट्री करेगा, जनरल एंट्री। पहले पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए मैं क्या एंट्री करूं, 2500 का बिल अगर कैंसिल करना है तो जनरल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, पुराने बिल को कैंसिल कर दो, बिल्स पेबल डेबिट टू बासु, पुराना बिल हमने कैंसिल कर दिया कितने रुपए का 2500 रुपए का, खत्म, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और फिर बासु को फिर से डेबिट कर दो कितने रुपए से, अच्छा इंटरेस्ट भी देना था उसको, पहले इंटरेस्ट भी लगा लेते हैं फिर देते हैं उसको पेमेंट, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कितने रुपए का 50 रुपए का, और इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा होगा, तो एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट डेबिट टू बासु कितने रुपए 50 रुपए सिर्फ 50 रुपए का इंटरेस्ट, फिर बासु को पेमेंट करेंगे, टोटल पेमेंट अब कितनी करनी है बासु को 2550 की, 2550 रुपए की, जिसमें से कुछ तो हमने कैश दे दिए, कुछ पेमेंट दे दी कैश 1000 रुपए की, बाकी के लिए एक नया बिल पेबल दे दिया कितने रुपए का 1550 रुपए का, राइट। अगर इसकी मैं नेट एंट्री करूं तो क्या एंट्री होगी, देखो यहाँ पर ये क्रेडिट में ये डेबिट में, तो नेट एंट्री यहाँ पर सॉरी ये भी क्रेडिट है ये भी क्रेडिट है ये डेबिट है, 2500 रुपए से क्रेडिट 2500 रुपए से क्रेडिट है 50 रुपए से क्रेडिट है 2550 से डेबिट भी है, तो बासु से बासु पूरा कट जाएगा, बिल्स पेबल डेबिट में रह जाएगा 2500 रुपए, इंटरेस्ट डेबिट में रह जाएगा 50 रुपए, क्रेडिट में आ जाएगा कैश और बिल्स पेबल, तुम्हारे बुक वालों ने ये एंट्री कर रखी है डायरेक्ट, बिल पेबल डेबिट कर दिया 2500 रुपए से, इंटरेस्ट भी डेबिट कर दिया, बासु से बासु को काट दिया सारा का सारा, तो नेट एंट्री कर रखी है, ऐसे एग्जाम में मत करना नेट एंट्री, ठीक है। दूसरा देखो, द सेकंड एंट्री क्या थी, जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किए हैं 4000 रुपए, अगर जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस है तो जी गुप्ता के लिए बिल्स पेबल है, कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा कतरक के लिए,
कातरक ने क्या करा, इंडोर्स कर दिया किसको, एम मेहता को। जब कातरक ने एम मेहता को बिल दिया होगा तो क्या एंट्री करी होगी, इसने एंट्री करेगी एम मेहता डेबिट टू बीआर। पहले जी गुप्ता से बिल आया होगा हमारे पास तो हमने एंट्री क्या करी होगी, बीआर डेबिट टू जी गुप्ता। फिर ये बिल उठा के हमने किसको दे दिया, एम मेहता को, तो एंट्री करी होगी एम मेहता डेबिट टू बीआर अगली एंट्री, और ये बिल डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्ज कितने रुपए लग गया, 20 रुपीज। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब है हमने पेमेंट कर दी चेक से बाद में, कोई बात नहीं, पर बिल तो डिसऑनर्ड हो गया ना, तो हम रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, जी गुप्ता से पैसे लेने हैं, एम मेहता को पैसे देने हैं, तो पहले रिवर्स एंट्री करो, जी गुप्ता को डेबिट कर दो, एम मेहता को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो रिवर्स। तो जनरल एंट्री क्या होगी सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए एंट्री करेंगे हम जी गुप्ता डेबिट, किसी को डाउट है तो बताना, जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता कितने रुपए से, 4000 का बिल था ना तो 4020 रुपए। नोटिंग चार्ज हम तो ऐड करके लिख देंगे, नोटिंग चार्ज नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, नोटिंग चार्ज वर्ड यूज नहीं करेंगे, नोटिंग चार्ज वर्ड वही यूज करेगा जिसके लिए बिल्स पेबल है, बाकी नहीं करेंगे। तो जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता, अब हमने अपनी पेमेंट किससे कर दी, हमने अपने, हमें लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर वो हमने बिल से पेमेंट कर दी, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, यानी एम मेहता को हमने तो पैसे दे दिए और हमारे पैसे आते रहेंगे जब आने होंगे, तो एम मेहता को पेमेंट कर दो, एम मेहता डेबिट टू बैंक, चेक लिखा इसलिए तो हमने तो पेमेंट कर दी अपनी, कितने रुपए की, 4020 रुपए की लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बिल ड्रॉन, बिल विड्रॉन सॉरी। एक और देखो, डी दलाल रिटायर आ बिल, रिटायर का मतलब है टाइम से पहले वो हमको पैसे दे रहा है, तो कातरक को पैसे दे रहा होगा, कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया कातरक ने, 10 रुपए का। एंट्री बताओ फिर, थर्ड एंट्री क्या करनी चाहिए हमें, दो कर दी थी थर्ड, डी दलाल से पैसे आ रहे हैं बी आर के, तो एंट्री करेंगे हम कैश या बैंक, लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट, मिलने थे 2000 रुपए पर मिलेंगे 1990 रुपए, डिस्काउंट कितना दे दिया, रिबेट लिख देना, रिबेट लिख दो या डिस्काउंट लिख दो एक ही बात है, 10 रुपए का। टू बी आर लिखना, उसका नाम मत लिख देना क्योंकि बिल रिसीवेबल की पेमेंट करी है उसने टाइम से पहले। लास्ट वाली एंट्री देखो क्या लिखा है भाई, लास्ट एंट्री में फिर से लिखा है कातरक एक्सेप्टेंस, यानी हमारे लिए, हम कातरक हैं तो क्या है हमारे लिए, बिल्स पेबल है। किसको देने हैं पैसे, 5000 रुपए पटेल को देने हैं, डिस्चार्ज कर दिया मैंने पटेल्स को। मोडीज एक्सेप्टेंस टू कातरक टू अ सिमिलर अमाउंट के लिए, यानी हमारे पास कहीं से एक बीआर आया हुआ था, वो बीआर उठा के हमने दे दिया, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी थी, पटेल को पैसे देने थे, हमने पटेल को पैसे ना देके क्या दे दिया था, बिल्स पेबल। फिर हमें एक बिल रिसीवेबल मिला, कहां से, मोदी से, वही बिल रिसीवेबल उठा के मैंने इसको पेमेंट कर दी, तो बीपी डेबिट टू बीआर एंट्री हो जाएगी नेट। फोर्थ एंट्री में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, अपनी लाइबिलिटी यानी कि बिल्स पेबल सेटल कर ली मैंने, क्या देकर, एक पार्टी की एक्सेप्टेंस देकर, बीआर देकर, कितने रुपए का बीआर दे दिया हमने उसको, 5000 रुपए का, खत्म हो गया। अगर इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताएं आप, 5000 वाले पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, अब तुम्हारा क्या काम है, देखो ये सारे क्वेश्चन एक बार तो खुद से सॉल्व कर लेना, बाकी मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिस तरह से मैंने कराया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो मैंने करा दिए, फिफ्थ छोड़ा हुआ है, फिफ्थ कर लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेना, 7 ऑलरेडी करा दिया, 8 खुद से करना है, 8 क्वेश्चंस, 8वीं क्वेश्चन तक करने हैं। एकोमोडेशन का क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना, दसवां भी एकोमोडेशन का है, अभी मत करना एकोमोडेशन, मैं खुद से कराऊंगा। 11वां भी अकोमोडेशन है, तो 10वां 11वां 12वां ये अकोमोडेशन के बिल है, अकोमोडेशन वाले छोड़ देना अभी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक टॉपिक है, बट इस पे हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन होता भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब सुन लो, बिल ऑफ कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमें बीआर मिल रहा है, वो बीआर हमने अपने पास ना रखकर बैंक में रख दिया, बस
सिंपल सा फर्क है इसमें, बिल ऑफ कलेक्शन का मतलब ये है जितने भी बीआर आए हैं हमारे पास वो हमने अपनी अपनी मतलब अपने ऑफिस में ना रखी, कहाँ रखवा दिए, अपने बैंक में भेज दिए। जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी तो वो बैंक अकाउंट में आ जाएंगे डायरेक्ट पैसे। तो एक सिंपल सी एंट्री करनी है, बिल रिसीव तो होता ही है किसी की पार्टी से। सपोज करो मुझे बीआर मिला मिस्टर ए से, तो बीआर डेबिट टू ए, ये बिल मैंने अपने पास नहीं रखा, कहाँ रखवा दिया, ये बैंक में। तो एक एंट्री और कर दूंगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, देखो ये वाली, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बीआर, और जिस दिन पैसे आएंगे तब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। अब बीआर नहीं आएगा नीचे क्योंकि हमने किसको डेबिट कर दिया, बिल फॉर कलेक्शन को, तो बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट होगा, बीआर तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। जब मिला होगा तब डेबिट हुआ होगा, जब मैंने भेजा होगा तो क्रेडिट हुआ होगा, अब वो पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बिल फॉर कलेक्शन में, और कलेक्ट नहीं हुआ तो डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री शुड बी रिवर्स। एंट्री क्या करनी है आपको, रिवर्स कर देनी है। कैसे रिवर्स करोगे, देखो व्हेन द अमाउंट इज नॉट ऑनर्ड तो उस पार्टी को डेबिट कर देंगे, जिस पार्टी से पैसे लेने, बिल फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, बिल फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर लेंगे। बताओ जी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो, अकोमोडेशन मैंने पेंडिंग छोड़ा है बस और कुछ भी नहीं। बीआर और बीपी पे हमारे पास क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी फॉर्मेट दे रखा है बिल रिसीवेबल बुक का भी और बिल्स पेबल बुक का। जब हमें बिल रिसीवेबल बुक बनानी होती है तो डेट, वाउचर नंबर, पार्टी किससे रिसीव हो रहा है, एक्सेप्ट कितने किया है, डेट ऑफ बिल क्या है, ड्यू डेट क्या है, प्लेस ऑफ पेमेंट क्या है, अमाउंट कितना है, मोड ऑफ डिस्पोजल का मतलब है बैंक से पैसे मिल रहे हैं, चेक से मिल रहे हैं, ये सारे कॉलम्स हमें बीआर बुक में बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर रिसिप्ट था, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा, ड्रॉअर आ जाएगा, पे ही आ जाएगा, पार्टी यहाँ पर ड्रॉअर होता है इधर पे ही हो जाएगा, डेट ऑफ बिल हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है, प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट, एलएफ, मोड ऑफ डिस्पोजल, ये सेम है, ठीक है। हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपको करने के लिए, ना एग्जाम में आता है बीआर और बीपी को, हमारा क्वेश्चन नॉर्मल आएगा बाकी क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है। सेल परचेज वाले चलो जी बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन 1 जनवरी 2019 को एक बिल ड्रॉ करा 1,20,000 का, 3 महीने का है, तो मैच्योरिटी डेट क्या होनी चाहिए इसकी। और किसी को कोई और डेट लग रही है तो बताएं। नो देन 4 अप्रैल 2019 करेक्ट, ठीक है। 1 जनवरी में 3 महीने जोड़ लो, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 4 दिन, तो 4 अप्रैल। अब लिखा है 16 जून को एक बिल बनाया गया क्यू के ऊपर 1,25,000 का 30 दिन का, और 19 जनवरी जब ड्यू डेट आई तो क्या हुआ, पब्लिक हॉलीडे हो गया, पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो 18 जुलाई ले लें या 20 जुलाई ले लें, बताओ। पब्लिक हॉलीडे में क्या लेना है, पहले वाला या बाद वाला, बाद वाले का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, प्रीवियस डे ले लेते थे हम, 18 जुलाई ले लेंगे, ठीक है। अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो क्या करना है, एक दिन पहले ले लेना। पीक्यू ने बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया सेम 4 जनवरी को, फॉर 3 मंथ का, फिर से मैच्योरिटी डेट पूछी है 4 जनवरी से, तो 7 अप्रैल कर देंगे खत्म। इसमें 4 अप्रैल आ रहा था 1 जनवरी से, तो 3 दिन और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, 4 जनवरी में 3 दिन और जोड़ लेंगे साथ। अब बिल ए ड्रॉ बिल ऑन बी, ठीक है, ए ने इंडोर्स कर दिया सी को, तो पे ही कौन है बताओ, पे ही वो पर्सन होगा जिसको पैसे मिलेंगे बीआर के, बताओ वो पे ही कौन है। अभी भी नहीं पता चला किसी को पे ही कौन है, ए ने ड्रॉ करा था बिल बी के ऊपर, फिर ए के लिए क्या होगा बीआर, ए ने बिल किसको दे दिया सी को, इंडोर्स कर दिया, सी के पास बीआर आ गया, बीआर डेबिट टू ए,
जिसको इस बिल के पैसे मिलेंगे एबीसी में से वही पे ही है। कौन है पे ही? ठीक है, सी हो जाएगा इसमें पे ही। सी को पैसे मिलेंगे फाइनली। लास्ट अमाउंट किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो पे ही कौन है? सी है। चलो जी पांचवा क्वेश्चन देखो फिर। अब बिल 1,20,000 डिस्काउंट करा लिया मैंने 1,18,800 रुपए में, यानी 1,200 रुपए डिस्काउंट उन्होंने काट लिया। एट अ मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया, नोटिंग चार्ज लगे 200 रुपए। तो बैंक कितने रुपए काटेगा हमारे बैंक से बताओ? एक बिल था 1,20,000 का, तो मैंने 1,18,800 में डिस्काउंट कराया था, बैंक ने नोटिंग चार्ज लगा दिया जब डिसऑनर्ड हुआ, तो कितने रुपए हमारे अकाउंट से कटेंगे? बताओ जी कितना होना चाहिए? ₹1,20,000 के बिल में बैंक तो वैसे पूरे पैसे काटता है, नोटिंग चार्जेस काटता है तो एक्स्ट्रा काटता है, तो 1,20,200 रुपए काटेगा बैंक आपके अकाउंट से अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो। एक्स ड्रॉ बिल 3,00,000 रुपए का बिल बनाया गया है 1 जनवरी 2020 को, 3 मंथ का आफ्टर साइट वाला। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 6 जनवरी 2020। तो ड्यू डेट क्या होगी? मैच्योरिटी डेट। आफ्टर साइट वाला कैसा है? 9 अप्रैल हो जाएगी। ठीक है, एक्स ने सोल्ड किए गुड्स वाई को 5,00,000 रुपए के, वाई ने कैश में दे दिया 4,30,000। एक्स विल ग्रांट 2% ऑन द बैलेंस एंड वाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक बिल बना लो। तो बिल का अमाउंट कितना होना चाहिए? 70,000 रुपए रह गए थे, 4,30,000 रुपए तो दे दिए, 70,000 का 2% डिस्काउंट दे दो, 2% कितने महीने का? कितना होना चाहिए अमाउंट? 2% कुछ नहीं लिखा कितने महीने का, और 2% के आगे पर एनम भी नहीं लिखा। 1400, 70,000 में 1400 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 68,600 डायरेक्ट लगा देंगे कुछ नहीं पता तो। सी विल बी करेक्ट। अनेक जनवरी 2020 एक्स ड्रॉ अ बिल, एक्स ने एक बिल ड्रॉ करा 5,00,000 रुपए का 3 महीने का। एक्स गॉट द बिल डिस्काउंट करा लिया उसने 4 जनवरी को 12% पे। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है। देखो बिल की डेट है 1 जनवरी, 4 जनवरी को डिस्काउंट कराया कोई बात नहीं, 3 महीने का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। 5,00,000 पे 12% करो, 5,00,000 का 12% इंटू 3/12 ₹15,000। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 3 मंथ का इंटरेस्ट पूरा लगेगा। ठीक है, मिस्टर जय ने ड्रॉ करा बिल मिस्टर जॉन पे 3,00,000 रुपए का 1 जनवरी 2020 को 3 महीने का। जॉन गॉट द बिल डिस्काउंट 12% पे, तो 3,00,000 का 12% कर लो, 3,00,000 का 12% किया आया 36,000 इंटू 3/12 ₹9,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 फरवरी लिखा है तो 1 महीने और कम कर लेते हैं एक बार, 36,000 का 2/12 कर लेंगे, 6,000 रुपये आ जाएगा, 1 महीना कम हो जाएगा, 2 महीने लेने हैं क्योंकि 1 जनवरी का बिल फरवरी में डिस्काउंट कराया है इन्होंने। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये सिंपल सिंपल से एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ऐसी 10वां क्वेश्चन है, एक्स जेड ने एक बिल ड्रॉ किया 2,00,000 रुपए का 3 महीने के ऊपर, बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, चार्ज लिया 1,000 रुपए, डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक कितने रुपए से क्रेडिट होगा? पूरे 2,00,000 रुपए से, अगर नोटिंग चार्ज नहीं है, नोटिंग चार्ज होते तो एक्स्ट्रा होता। अनेक जनवरी 2020 एक्स ड्रॉ बिल करता है 2,00,000 का, एक्स ए ड्रॉ करता है वाई बी के ऊपर 1,00,000 का, मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी पे रिक्वेस्ट करता है रिन्यू कर दो बिल 2 महीने का, इंटरेस्ट ले लेना 12%, तो 1,00,000 का 12%, 12,000, 2 महीने का इंटरेस्ट ₹2,000 आ जाएगा, खत्म। सिंपल सी कैलकुलेशन है बस। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, जल्दी बताओ कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? अभी पढ़ा था हमने थ्योरी में, क्रेडिटर बनाता है। कौन बनाता है? क्रेडिटर ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज।
एट द टाइम ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल द ड्रॉअर क्रेडिट, ड्रॉअर किसको क्रेडिट करेगा जब ड्रॉइंग होगी बिल की, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल ड्रॉअर किसको क्रेडिट करेगा, बीआर को, बीपी को या डेटर को? अभी हमने कहा क्रेडिटर बनाता है, तो क्रेडिटर किसको क्रेडिट करता है? डेटर को क्रेडिट कर देगा, रिवर्स एंट्री उसकी बुक्स में खत्म, डेटर को क्रेडिट कर देगा, सिंपल एंट्री है। अ प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय, इसमें बायर बनाएगा, परचेजर सॉरी, एक ही बात है बायर हो या परचेजर हो, वहां पे बायर लिखा था। अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अ प्रॉमिस, अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द गुड्स, क्या होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज? फर्स्ट ना, अनकंडीशनल ऑर्डर, प्रॉमिस तो पूरी कैरेक्टर्स में था ही नहीं, कैरेक्टर्स बताने थे, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। प्रॉमिस इसमें आता है, प्रॉमिस नोट वाले में, प्रॉमिस नोट आएगा तो प्रॉमिस नोट लिखोगे और उसमें आएगा तो अनकंडीशनल ऑर्डर लगाओगे। रिबेट ऑन बिल्स हो, सेवनटीन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रिबेट ऑन द बिल सो दैट, सिंपल है ओके, नोटरी पब्लिक में चार्ज इज फीस फ्रॉम द, किससे चार्ज करेगी, ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज से, ड्रॉट से या नन, जो भी होल्डर होगा ठीक है ना, उससे नोटरी पब्लिक लग जाएगा। बाकी सिंपल से फिर थ्योरी क्वेश्चंस है, इसके भी क्वेश्चन कर लेना जो अनसोल्ड क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीन क्वेश्चन हो जाएंगे। जो अकोमोडेशन का अगर कोई क्वेश्चन